बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये काफ़ी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। जब से हमने परवरिश इस सीरीज़ की स्टार्ट की है, कई सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, कई सारे पेरेंट्स अपने क्वेश्चंस, किसी एक विषय पर उनको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस विषय के बारे में लिखते हैं। उनमें से एक विषय ये रहता है कि हम हमारे बच्चों को वैल्यूज़ कैसे उनमें इनकलकेट करें या कैसे उनको पास ऑन करें। वैल्यूज़, जीवन के मूल्य, सबसे पहले मेरा मानना है कि वैल्यूज़ के बारे में अगर आपको आपके बच्चों का प्रशिक्षण करना है तो आपको खुद पहले तो समझना होगा कि वैल्यूज़ क्या है। मैं कई सारे लोगों को वैल्यूज़ के लेवल पर, मूल्यों के स्तर पर कंफ्यूज्ड देखता हूँ। सबसे पहले तो कई लोगों को लगता है कि वैल्यूज़ मतलब जीवन के सिद्धांत, जीवन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स। वैल्यूज़ उनसे भी एक गहरी बात है। वैल्यूज़ जीवन के आधार स्तंभ है, कॉर्नर स्टोन्स है, गाइडिंग स्टार्स हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि वैल्यूज़ क्या है, आप में से मैं किसी को कहूं कि मेरे मुझे आपका एक बच्चा आप एडॉप्शन के लिए दीजिए, इसके बदले में मैं आपको 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, जो कीमत आप बोलो वो लिखने को तैयार हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, मैं आपको पैसा चाहे जितना दे सकता हूँ, पर मुझे आपका बच्चा एडॉप्शन के लिए चाहिए। आप में से हर एक का जवाब ना होगा, और ये क्वाइट क्लियर नो होगा। तो ये क्वाइट क्लियर नो कहाँ से आता है? ये आपकी जो कन्विक्शन है, आपके फैमिली के प्रति, आपके बच्चों के प्रति जो भावना है, ये एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल है। मैं इसमें एक हाथ जीरो और बढ़ा भी दूं तो भी शायद आपका जवाब ना ही होगा। ये वैल्यूज बेसिकली लाइफ की वो चीज़ें हैं जो कम व्हाट में, इट इज़ एन एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल। इस पे मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, इससे मैं आपसे कोई मोल भाव, कोई देन लेन नहीं करने वाला, ये ना है। सो ये जो नॉन नेगोशिएबल्स है हमारे लाइफ के, ये क्या है? सबसे पहले पेरेंट्स को तो ये समझना होगा कि जिसको हम वैल्यूज़ कह रहे हैं, क्या वो वाकई में वैल्यूज़ है या बस कहीं हमें बस पसंद आई इसलिए कोई बात को हमने पिकअप कर लिया। बिजनेस कंसल्टिंग जो मेरा कोर प्रोफेशन है, उसमें मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखता हूँ, कई सारे इंडिविजुअल्स को भी ये बोलते देखता हूँ। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, तो लोग अक्सर कई सारे जवाब देते हैं जिसमें से एक पक्का देते हैं कि ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। अब जो इस वीडियो से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है कि आपको सबसे पहले आपकी वैल्यूज़ को क्लियरली डिफाइन करना होगा, मैं तो कहूँ कहीं लिखना होगा। और क्लियरली डिफाइन करते वक्त आपको उसमें जो एक भेद होता है वो भी समझना ज़रूरी है। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि लोग कहते हैं कि ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आर आवर हाइएस्ट वैल्यूज़। सो पहले आप समझिए कि ऑनेस्टी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है। ऑनेस्टी मतलब कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना। इंटेग्रिटी मतलब वो करना जो सही हो, व्हाट इज गुड फॉर द करंट सिचुएशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर रास्ते में 500 की नोट कहीं गिरी है, ठीक है, और आपने मुझसे आकर कहा कि केतन क्या इसको उठाओगे, ये 500 की नोट को, और मैं आपसे कहता हूं कि हाँ बिल्कुल बेशक उठाऊंगा, अगर मैंने ये कहा तो क्या मैं ऑनेस्ट हूं? अगर आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं मैं डिसऑनेस्ट हूं, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैंने सच बोला। वो 500 की नोट मेरी नहीं है ये जानते हुए भी मैं उठा लूंगा, लेकिन ये मैंने हाँ मैं उठा लूंगा इस तरह से जो सच बोला, तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन आप में से जिनको लग रहा है कि मैंने गलत किया, तो वो ऑनेस्टी वाली बात नहीं है, वो बात है कि मैंने इंटेग्रिटी से मैंने एक्ट नहीं किया। यहाँ पर मैंने इंटेग्रिटी, मेरी लाइफ की हाई वैल्यू है, ये नहीं दिखाया। इट इज़ नॉट राइट टू डू इट। तो इंटेग्रिटी इज़ टू डू द राइट थिंग एंड ऑनेस्टी इज़ टू स्पीक द ट्रूथ एवरी टाइम। एक और उदाहरण देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और मुझसे कोई पूछता है, प्रसाद जो कैमरा के पीछे अभी है, इग्नाइटेड स्पेक्ट्रम के ओनर, तो प्रसाद जो मेरे फ्रेंड भी है, अगर मैं बाहर जाऊं और कोई मुझसे पूछता है कि तुमने प्रसाद को कहीं देखा, वो आग बबूला है, उसके हाथ में शायद हथियार है, और मैं कह दूं कि हाँ प्रसाद उस कमरे में बैठा है,
तो क्या मैंने ऑनेस्टी दिखाई? तो हाँ ज़रूर दिखाई, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मेरी इंटेग्रिटी, इस दोस्ती के प्रति जो मेरी इंटेग्रिटी है, उसके चलते मैं, मुझे पता है क्या होने वाला है, तो मैं कह दूंगा कि नहीं यार, मैंने नहीं देखा, मैंने झूठ बोला, लेकिन आई डिड द राइट थिंग टूवर्ड्स माई फ्रेंडशिप। सो ये एक बहुत सटल डिफरेंस है इन दो वैल्यूज़ का, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ये मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप आपकी वैल्यूज़ लिस्ट डाउन करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका भेद समझना ज़रूरी है, और दूसरा ये समझना कि इस वैल्यूज़ में मेरी हायरार्की क्या है। अगर सब कुछ ठीक हो तो सभी अच्छे साउंडिंग वर्ड्स आपके वैल्यूज़ ही होंगे, सब कुछ ठीक हो तो। लेकिन बात वही है कि जब कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, या कभी दो वैल्यूज़ में से किसी एक का चुनाव करने का मौका आता है, तो आप किसको चुनिएगा? That decides what your core values are, what your values are in the first place. So, अगर honesty और integrity, ये दोनों को ही मैं values मान के चलता हूँ, normal situation में ये ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आ सकता है कि इनमें से कोई एक value दिखानी हो, तो मैं क्या दिखाऊँगा? अब बात करते हैं अनुकरण की, या बच्चों को transfer करने की, बच्चों को pass on करने की values। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो बोलने से बच्चे नहीं समझते हैं। ये हमने एक और वीडियो में देखा भी है कि बच्चे आपका हूबहू अनुकरण करते हैं। वैल्यूज़ भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बोल के काम नहीं आती, सिर्फ आपको वो दिखानी पड़ती है, आपको उसका एग्जिबिशन करना पड़ता है। बच्चे वहाँ से मैसेज लेंगे कि ये आपकी वैल्यू है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि आप किसी के घर में जाते हैं और चप्पल बाहर उतारते हैं, ये आपकी वैल्यू है। और जब आप चप्पल बाहर उतार रहे हैं तो किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं इट्स ओके, आ जाइए आप, तो आपके दिमाग में कभी कभी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस तरीके से आप एक असम्पशन बनाते हैं कि इस घर की वैल्यू सिस्टम क्या होगी, इन लोगों की वैल्यू सिस्टम क्या होगी, ये मॉडर्न होंगे या थोड़े लिबरल होंगे या कुछ भी, जो कुछ आप इनका असम्पशन बनाते हैं, ये उनके इस प्रदर्शित बिहेवियर को देख के आपने उनके वैल्यूज़ का एक अनुमान बांधा है। वैल्यूज़ सिर्फ बोल के नहीं होती है, मैं कंपनीज़ को भी कहता हूँ, इंडिविजुअल्स को भी कहता हूँ, बट यहाँ पर मैं आप एज पेरेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपने आपके बच्चों को जब बोलेंगे कि बेटा हमारे परिवार के ये मूल्य है, हमारे फैमिली के, हमारी सोसाइटी के ये वैल्यूज़ है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको पहले तो ये करना होगा, दिखाना होगा। मतलब कि अगर आप कहते हैं कि ऑनेस्टी हमारी हाई वैल्यू है, तो आपको हर बार सच बोलना होगा। बच्चे ग्रोइंग अप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एज पेरेंट्स हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए, और यही बच्चे, हम माँ बाप उनको बोलते हैं कि आप सच बोलो, और यही बच्चे कभी हमको किसी वक्त किसी से झूठ बोलते वक्त देख लेते हैं। बच्चों के लिए बड़ा क्लियर कट हो जाता है क्योंकि आपने ऑनेस्टी की बात की थी और अभी आप डिसऑनेस्ट बिहेव कर रहे हो। आप पीछे ये सोचते हो कि नहीं बेटा, ये डिसऑनेस्ट नहीं था, ये यहाँ पर ज़रूरी था। आपने जो बिहेवियर दिखाया वो इंटेग्रिटी एज अ वैल्यू, उससे आने वाला बिहेवियर था, पर आप बात करते रह गए ऑनेस्टी की। तो एज पेरेंट्स आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दो वैल्यूज़ को अलग तरीके से देखना, ये अलग है। सबसे पहले तो ये समझना, हमारे में कहावत भी है कि सच सबसे ऊपर होता है, एक तरफ हम ये भी कहते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि एक सच जो, एक झूठ जो किसी की जान बचा ले, वो सच 100 सचों पर न्यौछावर कर दे उसको, तो ये भी बात सही है, पर ये दोनों ही बात सही है दो अलग वैल्यू सिस्टम से। सो ऐसी, ये तो हमने आज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी को एग्जाम्पल के तौर पर देखा। ऐसी जो कोई आपकी वैल्यूज़ हो, पहले तो उसको क्लियरली समझें, उसको ठीक से आप लेबल कर पाएँ कि हाँ भाई ये मेरी वैल्यू है, एंड आई मीन दिस और वी मीन दिस व्हेन वी से दिस एज अ वैल्यू। इसको क्लियरली डिफाइन करें एंड फिर इंश्योर करें कि आपके बिहेवियर से वो दिखता हो। और मेरे ख्याल से अगर आपको वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करनी है अपने बच्चों में, या आपको, आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक या सामाजिक वैल्यूज़ का अनुकरण बच्चे करें, तो सबसे पहले आप उसको ठीक से डिस्प्ले करें, और उससे भी पहले आप उसको ठीक से समझें, एंड एज अ फैमिली सिट डाउन टुगेदर एंड डिस्कस दोज वैल्यूज़ एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम प्लेन व्हेन इट इज़ कंसर्न्ड विद दोज वैल्यूज़।